हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई वीडियो है, इस खालिस्तान पॉसिबल इन इंडिया? नो। अमृतपाल सिंह, पंजाब क्राइसिस। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मगर इसमें यह था कि थैंकफुली ज़्यादा न्यूज़ नहीं आ रही खालिस्तान की आजकल। पता नहीं, हम ही नहीं देख रहे, आपने वीडियोस नहीं सजेस्ट किए। आज मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो भी खालिस्तान की एक्टिविटी थी सब ठप हो गई है। मैंने पढ़ी थी अभी लेटेस्ट न्यूज कि रॉ को किया है इन्वॉल्व इसको, इस चीज को देखने के लिए और खत्म करने रूट्स के लिए। पता करने हाँ, के लिए। ऐसा कुछ मैंने न्यूज, मैंने सिर्फ हेडलाइन नहीं पढ़ी है, मुझे अब डिटेल नहीं पता है। तो बताओ करेक्ट है न्यूज कि अमित शाह जो है उन्होंने कुछ इस टाइप से किया है? कुछ जैसे कह रहे हैं कुछ लोग गायब हो रहे हैं, हु नोज। वही तो है। तो चलो, इस समय काफी बुरी सिचुएशन हो रखी है पंजाब में। इस समय आज भारी बवाल हुआ है। आज अजनाला पुलिस थाने को वारिस पंजाब दे संगठन के प्रमुख अमृतपाल सिंह के समर्थकों ने घेर लिया। कई पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर दी है। इस मॉब को अमृतपाल सिंह नाम का एक आदमी लीड कर रहा था जो अपने आप को एक इंडियन भी नहीं मानता। मैं खुद को इंडियन सिटीजन नहीं मानता। पासपोर्ट सिर्फ एक यात्रा का डॉक्यूमेंट है, इससे कोई भारतीय नहीं बन जाता। जो कि एक अलग सिख देश बनाना चाहता है। जेडी सेल्फ डिटरमिनेशन है, ये मनुख का बर्थ राइट है। साडा खालिस्तान का जेड़ा एम है उन्हें ईवल ते उन्हें टैबू ना बनाया जाए। जो कि अमित शाह की इंदिरा गांधी जैसी हालत करने को भी तैयार है। पंजाब दे सारा बच्चा बच्चा खालिस्तान की गल करता है, जिन्हें जो करना कर लवे। दावे तो सानू कोई नहीं पिछे हटा सकता, ना अमित इंदिरा हटा सकी है, ना मोदी हटा सकता, ना अमित शाह हटा सकता, ना भगवंत मान, ना कोई होर। तो कौन है ये अमृतपाल सिंह? क्यों चाहता है ये खालिस्तान? क्या है खालिस्तान? इस खालिस्तान के लिए सपोर्ट है इंडिया में? और क्या खालिस्तान इंडिया में एक्चुअली पॉसिबल है? आइए आज के वीडियो में पता करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ सेक्युलरिज्म का सीईओ श्याम शर्मा और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम। तो अमृतपाल सिंह जो वारिस दे पंजाब नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन का लीडर है, उसकी काफी फॉलोइंग बढ़ गई है पिछले कुछ महीनों में पंजाब में, और वो खालिस्तान की डिमांड कर रहा है। तो बंदे को सिखिज्म से इतना प्यार है, लेकिन यही बंदा गुरुद्वारे में जाके गुंडागर्दी भी करता है। पाल सिंह खालसा ऑफ वारिस पंजाब दे क्रिएटेड अ रकस एट अ गुरुद्वारा सिंह साहिब इन जलंधर। सपोर्टर्स ब्रोक चेयर्स एंड सोफास, टुक देम आउटसाइड एंड सेट देम ऑन फायर। और गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी भी कर रहा है। अमृतपाल सिंह कैरिड द गुरु ग्रंथ साहिब इन अ बस एज हिज सपोर्टर्स प्रिपेयर्ड फॉर अ शोडाउन ऑन वेडनेसडे। जरा पुलिस ने अटमोस्ट रेस्ट्रेंट नाल काम लिया बिकॉज ऑफ और ये बनना चाहता है सिखों का नया लीडर। ये अगर ये सिखों का लीडर है तब तो पाकिस्तान भी इमर्जिंग इकोनॉमीज का लीडर है। और पंजाब की गवर्नमेंट जिसके लीडर ने एक बार ये कहा था, और मैं आज पंजाब की जनता को भरोसा देना चाहता हूँ, किसी को नहीं बख्शेंगे जो गलत काम करेगा। असामाजिक तत्व, गैंगस्टर, एंटी नेशनल, जो गलत काम करेगा किसी को नहीं बख्शेंगे। चिंता करने की जरूरत नहीं है। पंजाब के एक एक आदमी को, एक एक व्यक्ति को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी हमारी है, हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। उन्होंने एक भीड़ को पुलिस स्टेशन पर कब्जा करने दिया, पुलिस स्टेशन से एक मुजरिम को छुड़ाने भी दिया। उसके ऊपर से अमृतपाल सिंह ने पुलिस को धमकी दी कि इस मुजरिम पे जो केस है उसको तुरंत वापस लिया जाए। और पुलिस ने क्या किया? केस वापस ले लिया। ये लॉ एंड ऑर्डर सर। तो भैया ये खालिस्तान है क्या? क्या ये लोग ग्रेट खाली के लिए एक सेपरेट देश बनाना चाहते हैं? जी नहीं। देखिए खालिस्तान एक सेपरेट सिख स्टेट की डिमांड है जो इंडियन पंजाब को इंडिया से काट कर बनाया जाएगा। और ये डिमांड आज क्यों की जा रही है भारत में, इसको समझने के लिए हमें जरा इस खालिस्तान मूवमेंट की हिस्ट्री को समझना पड़ेगा। देखिए भारत के जो सिख गुरु हैं हमारे, उन्होंने कभी भी भारतीय कल्चर से अलग एक मजहब बनाने की कोशिश नहीं की। हमारे जो सिख गुरु हैं वो भक्ति मूवमेंट, वेदांत और उपनिषद से बहुत इंस्पायर्ड थे। इनफैक्ट गुरु गोविंद सिंह ने अपनी तलवार का नाम भगवती रखा था और वो देवी चंडी के पुजारी थे। सिखों के सबसे महान राजा महाराजा रंजीत सिंह की अगर आप बैटल ध्वज देखेंगे तो उसपे देवी चंडी है, एक तरफ हनुमान और एक तरफ लक्ष्मण है। गुरु ग्रंथ साहिब में भी भगवान को दर्शाने के लिए जो शब्द यूज किया गया है उसमें सबसे ज्यादा बार हरि शब्द का इस्तेमाल किया गया है, 8000 से भी ज्यादा। उसके बाद राम शब्द का नाम 2500 से भी ज्यादा बार इस्तेमाल किया गया है। इनफैक्ट वाहे गुरु जो आजकल सिख सोसाइटी में सबसे ज्यादा पॉपुलर शब्द है, उसका इस्तेमाल सिर्फ 13 बार किया गया है। तो देखिए सिख कम्युनिटी डेफिनेटली एक डिस्टिंक्ट कम्युनिटी है, लेकिन सिख राजाओं ने, सिख गुरुओं ने कभी भी अपने आप को
भारतीय कल्चर और भारतीय धर्म से अलग करने की कोशिश नहीं की। हमेशा से ये माना जाता था कि सिख और हिंदू एक ही हाथ की दो उंगलियां हैं। लेकिन 1857 के फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद अंग्रेजों ने देखा कि एक बहुत अच्छा मौका है हिंदुओं और सिखों के बीच में दरार डालने का। याद रखिए कि 1857 की रिवोल्ट के पहले ब्रिटिश आर्मी के सबसे ज्यादा सैनिक बंगाल, अवध और बिहार एरिया से आते थे। 1857 की रिवोल्ट के बाद इन एरिया से अंग्रेजों ने सिपाही लेने बंद कर दिए और पंजाबी सिख और मुसलमानों को लेना शुरू कर दिया, क्योंकि इन्होंने ब्रिटिश को सपोर्ट दिया था 1857 रिवोल्ट को दबाने में। अंग्रेजों ने मार्शल रेसेस नाम का एक कॉन्सेप्ट भी इजाद किया इंडियन सोसाइटी को और डिवाइड करने के लिए। उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो कम्युनिटीज उनकी तरफ लॉयल हैं या फिर जिन कम्युनिटीज ने भी उनकी मदद की थी 1857 रिवोल्ट को दबाने में, उनको मार्शल रेस डिक्लेयर कर दिया जाएगा, यानी उनको प्रेफरेंस दी जाएगी आर्मी रिक्रूटमेंट में और ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से भी उनको काफी बेनिफिट्स मिलेंगे जैसे जमीन। ये अंग्रेजों की एक बहुत सोची समझी स्ट्रेटेजी थी, क्योंकि ब्रिटिश सीक्रेट सर्विस का एक मेमोरेंडम लीक हुआ था जिसमें गवर्नमेंट ऑफिसर्स ये कह रहे थे कि हमें हर एक कोशिश करनी चाहिए सिखों को हिंदू कल्चर से बिल्कुल अलग करने की। अंग्रेजों ने सिख सभा और तत् खालसा जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को क्रिएट करने में मदद किया और काफी सपोर्ट भी दिया था जो सिख कल्चर को हिंदू कल्चर से बिल्कुल अलग दिखाना चाहते थे। ब्रिटिश के सपोर्ट से गुरुद्वारा एक्ट और शिरोमणि प्रबंधक गुरुद्वारा कमेटी भी क्रिएट किए गए, जिससे सिख और हिंदू मंदिरों को डिवाइड किया गया और सिख और हिंदू सोसाइटी को भी डिवाइड किया गया। तो वहां पर कुछ सिख लीडर्स का इस्तेमाल करके अंग्रेजों ने सिख सोसाइटी में सेपरेटिज्म का कीड़ा डालना शुरू किया और खालिस्तान जैसी पहली डिमांड 1929 में आई जब मोतीलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की। इस मांग को तीन जगह से ऑपोजिशन आई। मोहम्मद अली जिन्ना जो मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे, बी आर अम्बेडकर जो दलित्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे और मास्टर तारा सिंह जो सिखों को रिप्रेजेंट कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद इस तरह की डिमांड और भी स्ट्रांग हो गई। जब भारत आजाद हुआ तब पंजाब स्टेट कुछ इस तरह दिखता था। अब इस पंजाब में सिखों की पॉपुलेशन अराउंड 20% थी। कुछ सिख लीडर्स ये चाहते थे कि उनके पास और पॉलिटिकल पावर हो, इसलिए वो एक ऐसा स्टेट बनाना चाहते थे जहां पर वो मेजॉरिटी में हो, इसलिए उन्होंने एक सिख मेजॉरिटी स्टेट का डिमांड शुरू कर दिया और फिर फाइनली गवर्नमेंट ने 1966 में सिख मेजॉरिटी पंजाब क्रिएट किया। लेकिन इस डिमांड को मानने के बावजूद कुछ सिख लीडर्स की जो ऑटोनॉमी की डिमांड थी वो बढ़ती ही गई। और ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि आपको हमेशा लिंग्विस्टिक और रीजनल डिमांड्स को मानना नहीं चाहिए, क्योंकि हर जगह पे एवरी पार्ट पंजाब स्टेट के बनने के बाद जो इंडिया के बाहर रहने वाले सिख थे वो काफी इन्वॉल्व हो गए इस खालिस्तान मूवमेंट में। 1970 में खालिस्तान काउंसिल ऑफ वेस्ट लंदन ने खालिस्तान मूवमेंट को ऑफिशियली लॉन्च किया और उसके बाद सिख मेजोरिटी पंजाब में कुछ एक्सट्रीमिस्ट घूमने लगे जो पंजाब में और ऑटोनॉमी की डिमांड करने लगे और नॉन सिखों के खिलाफ नफरत फैलाने लगे। एक ऐसा एक्सट्रीमिस्ट था जरनैल सिंह भिंद्रनवाले, जिसको अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस पार्टी की सेंट्रल गवर्नमेंट से सपोर्ट भी मिल रहा था, क्योंकि देखिए उस समय पर पंजाब में कांग्रेस पार्टी की मेन ऑपोजिशन थी अकाली दल, जिसका मेजोरिटी वोट बैंक सिख था। तो वो चाहते थे कि एक अगर उन्होंने जरनैल सिंह भिंद्रनवाले जैसे लीडर को डेवलप कर दिया तो वो सिखों का वोट बैंक काट देगा, जिससे कांग्रेस पार्टी को पंजाब इलेक्शंस में मदद हो जाएगी। इनफैक्ट भिंद्रनवाले ने 80s के दशक में कांग्रेस के लिए कैंपेन भी किया था। भिंद्रनवाले दमदमी टकसाल नाम के एक सिख रिलीजियस स्कूल का प्रमुख था और क्योंकि उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से सीधा सपोर्ट मिला हुआ था, इसलिए वो बेबाक होकर अपने हेटफुल स्पीचेस पंजाब में बोल रहा था और उसकी वजह से उसकी फॉलोइंग बढ़ रही थी। वर्ड इज स्प्रेडिंग अमंग द सिख्स ऑफ रूरल पंजाब About a new holy man or saint. और उनके बीच एक ऐसी खिंच थी उनकी बात में और उनके गलबात का तरीका कि ऐसा था कि जिसके साथ भी बात करते थे उसको अपना बना लेते। भिंद्रनवाले एक सिख फंडामेंटलिस्ट था जो दूसरे सिखों पर ही अटैक करता था। वो अक्सर निरंकारी सिखों के खिलाफ अटैक्स को प्रमोट करता था। इनफैक्ट उसने हिंदुओं को भी बहुत बार धमकी दी थी। जे सादी बस पांच बजे नु ना छड़ी ते 5000 हिंदुओं नु एक घंटे छड़ांगा। Bhindranwala and his supporters insist that he is only trying to attain justice for Sikhs. Many believe his grievances are exaggerated. जो भी हेट स्पीच करे उसको उसी टाइम उस पर एक्शन लेना चाहिए। और सेंट्रल गवर्नमेंट की सपोर्ट की वजह से उसके फॉलोअर्स ने पंजाब में कई सालों तक सैकड़ों हिंदूज और सिखों का कत्ल किया। इन सारे कत्ल करने के बावजूद गवर्नमेंट उस पर कभी भी कोई एक्शन नहीं लेती थी, इसलिए लोगों ने उसको एक तरह से पंजाब का डॉन की तरह देखना शुरू कर दिया कि भाई इसका तो भारत की सेंट्रल गवर्नमेंट भी बाल नहीं बांका कर सकती। Bhindranwala is arrested. Bhindranwala spends a month in jail. But is never charged. By the time he came out of jail, he realized he'd become a hero. So he started using the heroic language thereafter. And there was no stopping him. इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बार बार इंदिरा गांधी से कहा अगर आपने इस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं किया तो पंजाब में आग लग जाएगी, लेकिन क्योंकि इंदिरा गांधी इलेक्शन जीतना चाहती थी उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया। इवेंचुअली ये मामला हाथ से बाहर निकल गया, इसके सपोर्टर्स कुछ ज्यादा ही बढ़ गए और फाइनली इंडियन गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इंदिरा गांधी अलाउड हिम टू बिकम अ फ्रैंकेनस्टाइन।
You could see Bhindranwale every year what was happening. But when he reached the pinnacle, now to finish him off, now destroy him. It's too late. इसकी एक बहुत सिमिलर एग्जांपल है जो पाकिस्तान ने तालिबान के साथ किया. उन्होंने क्रिएट किया तालिबान को कि भैया ये लोग तो सिर्फ अमेरिकन काफिरों और भारतीय काफिरों से लड़ेंगे, लेकिन तालिबान इवेंचुअली इनके हाथ से बाहर निकल गया और अब इनकी ही गवर्नमेंट गिराने की धमकी दे रहा है. तो इसके बाद फिर भिंद्रनवाले के खिलाफ ऑपरेशन ब्लू स्टार किया गया जिसमें भिंद्रनवाले मारा गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें बहुत सारे लोगों की जाने गई और गोल्डन टेम्पल पर भी नुकसान हुआ जिससे कि बहुत सारे सिख इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ रेडिकलाइज हो गए. उसके बाद इंदिरा गांधी की असैसिनेशन हुई जिसके बाद अनफॉर्चुनेटली कुछ कांग्रेस लीडर्स के सपोर्ट से दिल्ली में एंटी सिख मैसेकर किया गया जिसमें हजारों इनोसेंट सिख्स की जान गई, जिस वजह से भारत में और भी सिख रेडिकलाइज हुए और 80s और 90s के दशक में पंजाब में बहुत ही डेंजरस सिख इंसर्जेंसी हुई. इस इंसर्जेंसी को 1990s के दशक में फाइनली केपीएस गिल की लीडरशिप में पंजाब पुलिस ने खत्म किया. पंजाब में वापस नॉर्मल सी आई और पंजाबी सिखों को वापस भारत में इंटीग्रेट किया गया. लेकिन भारतीय गवर्नमेंट ने यह गलती की कि पॉलिटिकल कैलकुलेशन की वजह से भिंद्रनवाले की सच्चाई लोगों को सही तरीके से नहीं सिखाई गई. उल्टा एसजीपीसी जैसे सिखों के सबसे ताकतवर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस की मदद से भिंद्रनवाले को एक संत बना दिया गया, एक कौमी योद्धा बना दिया गया. लगता है इन्होंने ही अबू बकर बगदादी के बारे में वॉशिंगटन पोस्ट की हेडलाइन लिखी थी. और देखिए खालिस्तानी मूवमेंट को पाकिस्तान की स्पाई एजेंसी ISI से भी काफी सपोर्ट मिला था. पाकिस्तान की ब्लीड इंडिया स्ट्रेटजी के तहत उन्होंने कई खालिस्तानी ग्रुप्स को सपोर्ट किया था इंडिया में अनरेस्ट और सोशल टेंशन फैलाने के लिए. आज भी खालिस्तानी मूवमेंट्स को पाकिस्तानी ISI से सपोर्ट मिल रहा है. अगर आप इंडिया के बाहर जो खालिस्तानी रैलीज होते हैं उनमें आप क्लियरली ISI का हाथ देख सकते हैं. Intelligence sources in India have identified a Pakistani lieutenant colonel as the brain behind the pro-Khalistani rallies seen in Europe and Canada. तो अब जब हमने खालिस्तानी मूवमेंट की हिस्ट्री समझ ली है तब बात करते हैं इस अमृतपाल सिंह की. तो अमृतपाल सिंह वारिस पंजाब दे के चीफ हैं. वारिस पंजाब दे नाम से तो IPL की क्रिकेट टीम लगती है, लेकिन ये एक पंजाब की सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 2021 में फार्मर्स प्रोटेस्ट के समय पर एक्टर दीप सिद्धू ने क्रिएट किया था. वारिस पंजाब दे का इनिशियल एजेंडा था पंजाब के राइट्स जैसे कि एजुकेशन, सैनिटेशन, कल्चर, सोशल अवेयरनेस. लेकिन फरवरी 2022 में दीप सिद्धू की एक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और इसके अमृतपाल सिंह को इस ऑर्गेनाइजेशन का चीफ घोषित कर दिया जाता है. लेकिन इस बंदे की पूरी कहानी में ही कुछ गड़बड़ है दया. देख के लगता है कि बहुत केयरफुली इस बंदे को एक पंजाब में पब्लिक फिगर बनाने की कोशिश की जा रही है कुछ लोगों के द्वारा. देखिए इस बंदे की सच्चाई ये है कि ये संत बनने की कोशिश कर रहा है इंडिया में आके, लेकिन साल भर पहले ये बंदा बाल वाल कटवा के दुबई में मौज कर रहा था और रातों रात भाई साहब ने अपने आप को पालिका बाजार का भिंद्रनवाले बना दिया. और ये बंदा भी खुल्लम खुल्ला हिंदुओं से नफरत करता है और जैसे भिंद्रनवाले निरंकारियों पर अटैक करवाता था उसी तरह ये बंदा भी तेरा सच्चा सौदा और गुरमीत राम रहीम के खिलाफ भी नफरत फैलाता है. तो फ्रेंड्स शॉकिंग कि कितना प्री प्लान्ड और सब सोचा गया है. और सबसे शॉकिंग था जो पुरानी पिक्चर जो दुबई में ये घूम रहा है और देखो एक कैसे साल पुरानी, एक साल पुरानी और अब यहाँ पे आके देखो कैसे पूरा हुलिया बदल के और कह रहे हैं कोशिश ये है कि उसको संत बना दें. कोई करते रहे जो करना है जो ये सब आउट बाहर से जो है फंडिंग आ रही है और ये उधर से ही चाल चल के दुबई से इसको भेजा गया. कोई और ही मास्टरमाइंड है जो ये सब कर रहा है और भिंद्रनवाला जैसे क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है सिनेरियो. मोस्ट लोगों को लगेगा शायद पड़ोसी देश है और इसीलिए कह रहे हैं अगर कि रॉ जो है अब छानबीन कर रहा है तो ढूंढ निकालेगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है. एग्जैक्टली और जो उनकी डिमांड्स हैं वो टोटली बकवास है, ऐसे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. तो मेरे ख्याल से तो कुछ नहीं हो पाएगा. मगर इन्होंने बहुत अच्छे रीजंस बताए थे हिस्ट्री में जिसकी वजह से थोड़ा रेडिकली लोग चले गए थे. बिकॉज और स्टार्टिंग थी कांग्रेस की कि कांग्रेस ने जो इलेक्शंस के लिए जो प्रॉब्लम्स की थी वो आज तक लिंगर कर रही हैं और अगर ऐसा देखें तो लगता है कि वापस कोई लाने की कोशिश कर रहा है. कोई बाहर की कंट्री भी इन्वॉल्व हो सकती है. बाहर की कंट्री ज्यादा लग रही है, ज्यादा चांसेस उन्हीं के हैं क्योंकि वो उनके वहां पे बुरी हालत हो रही है. अब उन्होंने देखा कि हमारे यहाँ बुरी हालत हो रही है तो उन्होंने कोशिश अब वही की है कि वो इंडिया में भी हम वो हालत जो है बिल्कुल करें. तो हम ही को इंटेलिजेंटली इसको हैंडल करना चाहिए. बट आई एम और अगर रॉस में लगा है देन दैट इज फिर तो सॉल्व हो जाएगा. अमित शाह मेरे ख्याल से इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं तो ये प्रॉब्लम जो होगी बहुत ही जल्दी सुनने में आएगा कि सॉल्व हो गई है. तो चलो फ्रेंड्स शेयर करना अपने थॉट्स. चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय. तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में
जल्दी से पता चल जाए।